दिवाली का त्योहार आते ही जहां एक ओर बाजार रोशनाई से सज जाता है, वहीं दूसरी ओर कोई भी अप्रिय घटना न हो, इस उद्देश्य से पुलिस भी सख्ती से कार्रवाई पर जोर देती है। दिवाली के इसी माहौल के बीच पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने जानकारी दी कि दिवाली को रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति है। इसके बाद पटाखे फोड़ने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। दिवाली के दौरान शहर में कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार केवल कम आवाज और कम धुआं करने वाली ग्रीन पटाखों को ही अनुमति दी गई है। सीपी अमितेश कुमार ने बताया कि दिवाली को रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति है। इसके बाद पटाखे फोड़ने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। केवल ग्रीन क्रैकर ही फोड़े जा सकते हैं। ज्यादा वायु और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री पर भी पाबंदी है, इसलिए पटाखा विक्रेताओं पर निगरानी रखने के लिए विशेष दस्ते बनाए जा रहे हैं। केवल ग्रीन पटाखों की श्रेणी वाले पटाखे ही बेचे और चलाए जाएंगे। सभी थानेदारों को इलाके विक्रेताओं पर नजर रखने के विशेष दस्ते बनाने को कहा गया है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीमें भी गश्त करेगी। जो लोग नियम का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इसके लिए सोमवार को धारा 144 भी लागू कर दी है। यामध्ये तीन प्रमुख गोष्टी आहे। सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्टचे आदेशान्वये ग्रीन फटाकेची फक्त सेल आणि परचेज आणि फटाके फोडण्याची परवानगी आहे। म्हणून आम्ही सर्व जे फटाके विक्रेता आहे त्यांचे असोसिएशन आहे त्यांच्याशी बैठक आमचे पोलीस स्टेशन आणि DCP स्तरावर झालेली आहे आणि त्यांनी अशा कोणत्याही प्रकारचे नियमाचे विरुद्ध कोणतेही फटाके विकू नये असे आवाहन करण्यात आलेले आहे। काल चेकिंग पण मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली, काही केसेस पण करण्यात आलेली आहे। आमची सर्व विक्रेत्यांना आवाहन राहील की कृपया करून नियमाचे विरुद्ध कोणत्याही अशा प्रकारचे सेल आणि परचेज फटाक्याची करू नये। सेकंड इशू आहे वेळ दिलेली आहे फटाका फोडण्याची, हे जनताशी आवाहन राहील की फक्त 8 ते 10 वाजेपर्यंत रात्री फटाका फोडण्याची परवानगी आहे। त्याचे पूर्वी आणि त्याचे नंतर जर अशा प्रकारचे फटाके कोणी फोडला तर इन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन ॲक्ट आणि 188 CRPC, कारण आम्ही 144 CRPC ची आदेश निर्गमित केलेली आहे, म्हणून 188 IPC आणि एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो। कानून के प्रावधान के तहत पुलिस को कार्रवाई करने के अधिकार है। बाजारों में नागरिकों की भीड़ बढ़ गई है, इसलिए सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस को गश्त बढ़ाने को कहा गया है। विशेष तौर पर जेब कतरों और चोरों की जांच की जा रही है। नागरिकों से भी खरीदारी के दौरान सतर्क रहने और अपनी मौल्यवान वस्तुओं का ध्यान रखने को कहा गया है। CP की अध्यक्षता में सभी जोन की DCP की बैठक ली गई। कोई आपराधिक घटना न हो इसके असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।